अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा रखना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे। तो मैं कोई एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ, 3 मिनट में आप इसको कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और इससे आपको अभी कभी गर्मी का एहसास होगा। और आयुर्वेद का नियम क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि पैर नरम पेट, पैर गरम पेट नरम माथा ठंडा तो डॉक्टर को मारो। ऐसा कभी नहीं कर सकते हम, डॉक्टरों से दवाइयों से जब तक प्यार नहीं करोगे ना वो आपके साथ लगे रहेंगे। यू मस्ट लव द डॉक्टर्स एंड द मेडिसिन टू कीप देम अवे फ्रॉम यू। तो अब हम कर रहे हैं, इसको कहा जाता है पैटिंग कम टैपिंग। इसमें हम क्या करेंगे, शरीर में हमारे शरीर में 500 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम करीबन 36 को कवर करेंगे। मेन एनर्जी चैनल्स जहाँ मैक्सिमम हमारे नर्व्स मिलते हैं उसको हम, इसको कहा जाता है टैपिंग। सभी अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और नीचे से ऊपर तक आप ऐसे पैटिंग करते हुए आएं, ऊपर से नीचे और एक राउंड, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब हथेली को ऊपर की तरफ लें, टेक द पाम अप, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और एक राउंड, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। कम से कम 2 राउंड करने हैं। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, हथेली जमीन की तरफ, यस, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, सेकंड राउंड, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, टेक योर लेफ्ट हैंड अप, बगल के नीचे, यहां पर 15 बार स्ट्राइक करोगे, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब अपोजिट साइड के हाथ को ऊपर उठाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम 3 जगह अलग अलग जगह पेट पर प्रेशर देंगे, अलग अलग मेरिडियंस हम कवर कर रहे हैं, यस। नहीं नहीं, बोथ द हैंड्स, यस। नाउ अभी देखो सभी यहाँ पर हाथ लगाओ, यहाँ पर होती है रिब मसल, पसलियाँ होती हैं यहाँ पर, ये यहाँ से हमारा डायफ्राम मेन रेस्पिरेटरी मसल जुड़ा रहता है जो हम, जिसके भरोसे हम सांस लेते छोड़ते हैं। तो इसके नीचे, इसके ऊपर ये डायफ्राम यहाँ अटैच रहता है, नुकली हड्डियों के पास में अटैच होता है डायफ्रामेटिक मसल। इसके ऊपर होती है चेस्ट, इसके नीचे होता है पेट। अब हम पेट को 3 अलग अलग हिस्सों पर हम पैटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं इसके थोड़ा नीचे जिसको हम कहते हैं अपर एब्डोमेन, यहाँ पर लीवर और स्प्लीन दोनों ही बहुत एक्टिवली काम करते हैं जो बॉडी में बहुत सारा केमिकल फंक्शनिंग्स को करते हैं वो। तो यहाँ से थोड़ा नीचे 15 बार टैपिंग करें, अब इससे थोड़ा नीचे नाभि के ऊपर, इसको हम कहते हैं मिडिल एब्डोमेन, बीच वाला पेट, 15 बार। अब हम करने जा रहे हैं नाभि के नीचे होता है लोअर एब्डोमेन, जहाँ पर हमारी सारी आंतें होती हैं। आंतों में जब स्लगिशनेस होता है, मंद पड़ जाती हैं आंतें, तो मल निष्कासन में तकलीफ होती है। अब नाभि के नीचे हम करने जा रहे हैं, थोड़ा ही नीचे नाभि के, थोड़ा नीचे, हिप्स, 15 बार स्ट्राइक करें, अब हम दोनों ही टांगों के बाहर से आउटर साइड कवर करेंगे, आउटर साइड ऑफ द लेग, बोथ द लेग्स एंड द इनर साइड ऑफ बोथ द लेग्स। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे और अंदर से टैपिंग करते करते यहाँ से साइड से टैपिंग करते ऊपर आएंगे। चलें सभी रेडी, यस, साइड से नीचे जा रहे हैं पैटिंग करते हुए और फिर अंदर से ऊपर आओ, ऊपर आके जंगाओं के पास आके यहाँ पर आके ख़त्म करें। ये हमारा पहला राउंड पूरा हुआ। शरीर में गर्मी सभी को महसूस हो रही होगी अभी, क्योंकि इससे पूरा बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी लेवल इससे बढ़ती है। अब सेकंड राउंड में जाने के पहले हम पीछे 15 बार तालियां स्ट्राइक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यस। सर दर्द हो, माइग्रेन हो, हेडेक हो, तो फिर उसके लिए देखिए यहाँ पर हम 15 बार स्ट्राइक करें। अब कपाल के मध्य में, अब बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द नेक,
अब यहां पर कान के चारों तरफ 100 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होती हैं। अगर आप रोज इसको अगर स्ट्राइक करोगे तो आपके ब्रेन के दोनों ही साइड्स एक्टिवेट होते हैं और आपके आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, बहुत सारी छोटी नर्व्स यहां से पास होती हैं कान के पीछे से। तो देखें, सभी ध्यान से करेंगे मेरे साथ, पहले कानों को नीचे से पकड़ें और जोर से पुल करें नीचे की तरफ। अब कान को बीच से पकड़ें, पुल करें बाहर की तरफ। अब कान को ऊपर से पकड़ें और ऊपर की तरफ पुल करें। अब कान को रगड़ते हुए नीचे से ऊपर जाएं और ऊपर से नीचे आएं। कान की गोलाई से भी रगड़ते हुए नीचे आएं। पूरा कान को अंदर से और बाहर से पूरा रगड़ें और अब दोनों ही उंगलियां कान के अंदर डालकर 5 बार आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद अब हम चल रहे हैं टैपिंग की तरफ। पहले हमने किया पैटिंग, जिसमें हम पूरी पाम यूज़ करते हैं। अब हम सिर्फ उंगलियों के टिप्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले पहले आएँ सभी, 8 उंगलियों के टिप्स से यहाँ स्ट्राइक करें, कम से कम 7 या 10 बार। 10 बार हम करेंगे, यस। अब आप क्या करें, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है और मिडिल फिंगर है, दोनों को आपस में मिलाएं, मिलाएं दोनों को आपस में इस तरह। उंगलियों के टिप से हमको स्ट्राइक करना है, कहाँ पर? यहाँ पर, सेंटर ऑफ द आईब्रो, जहाँ आत्मा का निवास स्थान होता है। 10 बार स्ट्राइक करें, टैपिंग 10 राउंड्स। अब आंख के साइड में यहाँ पे जो नुकीली हड्डी होती है, सॉकेट बोन जिसको कहते हैं, आय का, यहाँ पर सभी स्ट्राइक करें 10 बार, टैपिंग करें। अंडर द आय, आंख के नीचे नुकीली हड्डी पे, गाल की चीक बोन के पास में, नोज, चिन, 10 बार उसको टैपिंग करें। कॉलर बोन, यहाँ से किडनी मेरिडियन पास होता है। और फिर अब लास्ट में कराटे चॉपिंग पॉइंट, मेन साइकोलॉजिकल रिवर्सल पॉइंट है ये। देखिए, कलाई की रेखा दोनों हाथ में करेंगे, हम एक हाथ में भी कर सकते हैं वैसे। कलाई की रेखा और ये छोटी उंगल का जो आधार, द रूट ऑफ द लिटिल फिंगर एंड द रिस्ट लाइन, इसके साइड में ये जो सॉफ्ट पोर्शन बनता है, इसको कहा जाता है कराटे चॉप पॉइंट। जो कराटे खेलते हैं ना, यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं और फिर अपने स्ट्रोक खेलते हैं। तो चलें सभी सेंटर में, बिल्कुल ध्यान से देखें सभी, सॉफ्ट पोर्शन बिल्कुल यहाँ पर साइड में, इस हाथ से चॉपिंग करेंगे 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप एक हाथ में कर सकते हैं, दूसरे हाथ में भी, दो हाथ में भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट बता रहा हूँ। अंगूठे को अंदर रहो, मुट्ठी को बंद करो। ये पीछे होते हैं हमारी किडनीज और किडनी के पूर्व होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, जो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारा काम करना पड़ता है एड्रेनल ग्लैंड्स को। यहाँ पर किडनीज का प्लेस होता है, यस। इसको 15 बार ऊपर नीचे करें। अब सबसे लास्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं, स्टमक मेरिडियन का 36 नंबर पॉइंट होता है। कोई भी पेट और पाचन की अगर तकलीफ है, एनी डैम प्रॉब्लम विद द डाइजेशन, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, तो ये पॉइंट आपको बहुत सारा मदद करेगा। अब आपको क्या करना है, घुटनों के साइड में अंगूठा अंदर है, मुट्ठी बंद है सभी की, और साइड में इसको 15 बार स्ट्राइक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स।